वेलकम बैक। मैं हूँ आरती एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। जन्माष्टमी का त्यौहार आ रहा है और घर पे माखन मिश्री का भोग बनाना तो बनता ही है, लेकिन कभी कभी हमारे घर पे मलाई अवेलेबल नहीं होती है या फिर दही अवेलेबल नहीं। इसलिए आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली एक ऐसी रेसिपी जिसमें ना तो मलाई की जरूरत है ना ही तो दही की जरूरत है, और 2 मिनट में बिना किसी मिक्सर या ब्लेंडर के आप इसको आराम से बना सकते हैं सिर्फ 2 मिनट में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बटर बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 2 चम्मच देसी घी। देसी घी तो हमारे घर में सबके अवेलेबल होता ही है। तो फिर लिया है मैंने 5 से 6 आइस क्यूब्स। फिर हम एक फॉक की हेल्प लेंगे, जो काटा जिससे हम नूडल्स वगैरह खाते हैं उसकी हेल्प से हम इसको अच्छे से इस तरह से मिक्स करेंगे। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है इसमें, बस हल्के हल्के हाथों से ही बहुत जल्दी से बन के तैयार हो जाता है। अभी आप देख सकते हैं इसका जो कलर है वो चेंज होना शुरू हो गया है और थोड़ा थोड़ा सा ये बटर बनना भी शुरू हो गया है। तो मैक्सिमम इसमें 2 मिनट में ही हमारा बटर जो घी से बटर बन के तैयार हो जाता है। तो इस तरह से आप जन्माष्टमी पर एकदम से बिना मलाई इकट्ठी किए, बिना दही के आप इंस्टेंट बटर बना सकते हैं और कृष्णा जी को भोग लगा सकते हैं बिल्कुल शुद्ध घी से, और शुद्ध हमारा माखन बनकर घर पे तैयार है। अगर आप इसको गाय के घी से बनाते हैं, काऊ घी से बनाते हैं, तो ये थोड़ा सा येलोइश कलर में आता है, पीला सा। लेकिन अगर आप इसको बफलो जो घी रहता है, जिसको भैंस का घी कहा जाता है, उससे अगर बनाते हैं तो बिल्कुल ही प्योर वाइट बन के तैयार होता है। तो ऊपर से हम डाल देंगे इसमें थोड़ी सी मिश्री, और हम ऊपर से थोड़ा सा एक पत्ता हम तुलसी का रख देंगे। तो कृष्णा जी के भोग के लिए हमारा माखन मिश्री बिल्कुल तैयार है। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी जन्माष्टमी।